रांची में दुर्गा पूजा को लेकर पिछले कुछ दिनों से ट्रैफिक जाम की समस्या सामने आ रही है। दरअसल जगह जगह पर दुर्गा पूजा को लेकर पंडाल बनाए जा रहे हैं, जिनकी वजह से लोगों को आने जाने में असुविधा हो रही है। इसके लिए राजधानी में 2 अक्टूबर से ट्रैफिक व्यवस्था बदल जाएगी। दुर्गा पूजा को लेकर कैसी है रांची की ट्रैफिक व्यवस्था, देखें। देखिए, चूंकि अब कई जगह पूजा पंडाल लग रहे हैं, बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां से बहुत इंटीरियर एरिया से भी लोग पंडाल दर्शन करने के लिए आते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। आने वाले जो मार्ग हैं उन पे बाइक से पेट्रोलिंग, PCR और जो थाना की पेट्रोलिंग है वो रात भर निगरानी रखेंगे। और ऐसे इलाकों में जहाँ पे रैंडमली चेकिंग लगाई जा सकती है वहाँ पे खासकर चेकिंग की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा यातायात व्यवस्था के लिए भी अलग से इंतज़ाम किए गए हैं। इस संबंध में यातायात के जो रूट्स हैं और टाइमिंग है, वो हैवी व्हीकल्स की जो मूवमेंट है उसकी भी जो टाइमिंग है उसमें बदलाव किए गए हैं। उसका अलग से यातायात पुलिस अधीक्षक के स्तर से एक आदेश निर्गत किया गया। दुर्गा पूजा को लेकर के यातायात में व्यापक परिवर्तन किया गया है कि लोगों को दिक्कतें ना हो किसी भी तरह से पूजा में घूमने के लिए। लेकिन भारी वाहन को लेकर के जो भी बाहर से दूसरे ज़िलों से जो भी गाड़ियां रांची में आती हैं उसको लेकर के विशेष व्यवस्था है कि आप सप्तमी से ही सुबह 8 बजे से लेकर के अगले दिन सुबह 4 बजे तक नो एंट्री होगी, मतलब रात भर की नो एंट्री होगी। सिर्फ सुबह 4 बजे से 8 बजे का एक टाइम होगा जिस पर आप इमरजेंसी सर्विसेज जो भी हैं या फिर भारी मालवाहक उस समय सिर्फ 4 घंटे आ सकती हैं। उसके अलावा आपको 5 तारीख तक, 2 से लेकर के 5 तारीख तक भारी वाहनों की बिल्कुल नो एंट्री रहेगी रांची शहर में। इसके अलावा शहरी क्षेत्र में जो 4 व्हीलर से निकलेंगे, 2 व्हीलर से निकलेंगे जो भी श्रद्धालु हैं उनके लिए विशेष व्यवस्था है। जहाँ भी पूजा पंडाले हैं वहाँ पे दिक्कतें ना हो, लोग चूँकि काफ़ी पैदल रहते हैं वहाँ पर कोई समस्या ना हो, इसको लेकर के सभी जगह प्रोटोकॉल बनाए गए हैं कि कहाँ तक गाड़ी आने देना है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।